जिस अपराधी सुखा से जेल के अधिकारी तक कांपते हैं, कैदी जिसके करीब नहीं जाते, इसकी दहशत जेल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर है। आखिर वो सुखा है कौन? कैसे वो सोशल साइट्स पर गुनाहों का सेलिब्रिटी बन गया, हर घंटे जिसके गुनाहों से जेल के बाहर लोग जुड़ रहे हैं। जेल में चलता है कैदियों का कानून। जेल में कानून नहीं, गुंडों का राज। फेसबुक के जरिए खौफ फैलाते हैं पेशेवर मुजरिम। जेल के अंदर बैठकर बाहर की दुनिया में चलाते हैं गैंग। नाम सुखा है। हत्या, हत्या की कोशिश, चोरी, डकैती और छिनैती जैसे 40 से ज्यादा मामलों में नामजद सुखा कहलो। जलंधर जिले के गांव काहलवा का रहने वाला सुखा पहले ऑस्ट्रेलिया रहता था। यहाँ आते ही उसने लूटपाट शुरू कर दी। उस पर हत्या, हत्या की कोशिश सहित 30 मामले पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में दर्ज है। वो फगवाड़ा के भाजपा नेता सुदर्शन ढिल्लो की हत्या का भी मुख्य आरोपी है। अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए वो पंजाब के डिप्टी सीएम की दौंस देता था। एफबी पेज पर उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह, जेल मंत्री सरवन सिंह फ्लोर के बेटे दमनजीत सिंह और पंजाबी फिल्मों के हीरो बड़ा गुमन के साथ कई गैंगस्टर की फोटो इस पेज पर है। पेज पर सुखबीर सिंह बादल की फोटो भी है और उनके साथ सुखा का करीबी गगनदीप चक्राला भी बैठा है। गगनदीप और सुखा की फोटो भी एक साथ है। 25 साल का सुखा 2 साल से कपूरथला जेल में बंद है और जेल में बैठकर ही अपराध का प्रचार करता है। सुखा के इस अपराध को अंजाम देने में कहीं न कहीं पंजाब के जेलों के सुरक्षा में लगे अधिकारी और पुलिस वाले भी दोषी हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल में कैदियों के लिए ड्रग्स और मोबाइल फोन से लेकर कई प्रतिबंधित चीजें सप्लाई होती है। सिर्फ 500 रुपए में कैदियों को फोन मिल जाता है, जिससे वो जिससे चाहे बात करें, नेट का इस्तेमाल करें, बाहर की दुनिया में अपराध को अंजाम दें। हम राजू में लेके आंदे। अच्छा, हाँ जी। चलाउंदे कितना है? चलाउंदे कितना? जिदा आम बाहर चलते हैं। अच्छा, हाँ, इतने रुकता नहीं कोई भी। मोबाइल दे कितने पैसे लेंदे हैं? कितने पैसे लेंदे मोबाइल दे? 500 रुपया लेंदे एक मोबाइल दा। हाँ, अच्छा, तो कितना देर चक चक नहीं आई तक आंदे बॉर्डर दे बीच। किस कदर पंजाब की जेलों में अपराधी बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इस कैदी के बयान से लगाया जा सकता है। और ये रहे जेल मंत्री, वो सिर्फ जांच और सुरक्षा बढ़ाने की बात कह रहे हैं। बात गलत है कि उनको फ्री हैंड है, हमारी चेकें कितनी हमने बढ़ा दी है। तो जो तिहाड़ जेल का है ना 3-टायर सिस्टम, वो भी हमने लागू कर दिया। आउटर जो रैंक है ना, आउटर सिक्योरिटी रैंक, वो हमने पुलिस वालों को दे दिया। और पेस्को के हमने जो कर्मचारी है वो हमने एंगेज कर लिए हैं, और पीएपीए के कर्मचारी हमने एंगेज कर लिए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी ने पहले ही केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट में अलर्ट किया है कि पंजाब की जेलों में मोबाइल फोन बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। पंजाब की जेलों में खतरनाक अपराधी और आतंकी भी सजा काट रहे हैं, जो मोबाइल के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में हैं। जालंधर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।